अमूल की सफलता की कहानी। देश के जाने माने डेयरी प्रोडक्ट ब्रांड अमूल के बारे में शायद ही ज्यादा बताने की जरूरत हो। सुबह की चाय के लिए दूध की जरूरत हो या फिर नाश्ते में ब्रेड पर लगने वाला बटर चाहिए हो, इसके लिए एक ही नाम जहन में सबसे पहले आता है और वो है अमूल। अमूल अपनी बेस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी से देश में नंबर वन डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी बनी हुई है। इसके रोजाना की आमदनी 90 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने इसकी शुरुआत की जब भारत में दूध की कमी हो गई थी। कुरियन के नेतृत्व में भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम शुरू हुआ। उनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव कोझिकोड में 26 नवंबर साल 1921 में ईसाई परिवार में हुआ। कुरियन ने लोयला कॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन और किंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने जमशेदपुर स्थित टिस्को में काम करना शुरू कर दिया। इस बीच भारत सरकार ने उन्हें डेयरी इंजीनियरिंग में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप दी। इसके बाद वो अमेरिका चले गए और वहाँ मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री हासिल की। भारत वापस लौटने के बाद उन्होंने डेयरी खोलने का सोचा। अमेरिका से लौटने के बाद सरकार ने उन्हें 1949 में गुजरात के आणंद में भेजा। वहां जाकर वो एक छोटे मिल्क पाउडर कारखाने में डेयरी इंजीनियर के तौर पर नौकरी करने लगे। उसके बाद एक छोटे से गैराज में उन्होंने अमूल डेयरी की स्थापना की। शुरुआत में कंपनी की क्षमता 250 लीटर प्रतिदिन की थी। इस समय अमूल कंपनी के कुल 7.64 लाख मेंबर्स हैं। कंपनी रोजाना 33 लाख लीटर दूध का कलेक्शन करती है। कंपनी की रोजाना 50 लाख लीटर की हैंडलिंग क्षमता है। कंपनी का पूरी दुनिया के दूध उत्पादन में 1.2% हिस्सा है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। इतना ही नहीं, उन्हें रेमन मैक्सेसे पुरस्कार और अमेरिका के इंटरनेशनल पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। अमूल बटर की शुरुआत साल 1956 में हुई, लेकिन देश के कई अन्य ब्रांड भी अमूल को टक्कर दे रहे थे। अमूल का अटली बटली कैंपेन सबसे ज्यादा चलने वाला विज्ञापन था और इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था, क्योंकि कंपनी का ऐसा मानना है कि वो एक बहुत सीधी, आसान और नई सोच के साथ अपने ग्राहकों को एक सा उत्पाद प्रदान करने वाली कंपनी है। अमूल का बटर देश में मार्केट लीडर है। उसके पास कुल 85% मार्केट शेयर है। वहीं पाउच मिल्क के मामले में मार्केट शेयर 25% है। इसके अलावा पनीर सेगमेंट की अगर बात करें तो अमूल का मार्केट शेयर 80% है। वहीं आइसक्रीम सेगमेंट में अमूल के पास 40% मार्केट शेयर है। अमूल की सालाना कमाई। अमूल का सालाना टर्नओवर यानी आमदनी साल 2016 में 11,668 करोड़ रुपए थी। वहीं 2017 में ये बढ़कर 20,733 करोड़ रुपए हो गई है। साल 2018 में ये 29,225 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है और साल 2019 की बात करें तो ये कमाई बढ़कर 32,960 करोड़ रुपए हो गई है। अमूल एक सहकारी संस्था के तौर पर काम करता है, इसलिए मुनाफे को लेकर ज्यादा काम नहीं किया जाता। साल 2018 में अमूल का मुनाफा 49 करोड़ रुपए था, जो कि साल 2019 में बढ़कर 53 करोड़ रुपए हो गया है। तो आज हमने इस वीडियो में आपको देश की सबसे बड़ी दूध उत्पादन कंपनी की कहानी बताई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।